गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो गाइज आज का दिन, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 10:15 और अभी 10:15 बजे तक मैं घर पे क्यों हूँ, क्योंकि गाइज मैं आपको बताना चाह रही थी, बर्थडे के बाद से मेरे को टाइम ही नहीं लगा, दोबारा व्लॉग ही नहीं कर पाई। और तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने जो है जॉब को चेंज कर लिया है, जहाँ मैं पहले जॉब कर रही थी वहाँ से मैंने छोड़ दिया है। मैं नई जगह पे शिफ्ट हो गई हूँ, बहुत जल्द वो भी आपको बताऊँगी, अभी तो नहीं बता रही, अभी तो कुछ टाइम रुक के फिर बताऊँगी आपको मैंने कहाँ ज्वाइन किया है, क्या है। बाकी मैंने वो जॉब चेंज कर लिया है एंड वहाँ पे जो प्रीवियस जॉब थी ना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से फेयरवेल दे करके बहुत ही अच्छे से वहाँ से मैं निकली हूँ। उसकी कुछ झलकियाँ मैंने रिकॉर्ड की थी जाने से पहले, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, अभी रेडी हो रही हूँ जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया वहाँ जाने के लिए। आइए पहले आपको नाश्ता दिखाती हूँ, उसके बाद आपको उन वीडियोस से रूबरू कराती हूँ जो वहाँ से लास्ट टाइम मैं निकली थी, तो क्या वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था छोटा सा, जो स्टोर की ओनर है उन्होंने किया था। तो आइए पहले नाश्ता देख लेते हैं। सो ये है आज का ब्रेकफास्ट, रोटी, राजमा और रायता। तो ये खाते हैं और फिर चलते हैं स्टोर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, जाना था। बाल क्यों खड़े आमिर खान की तरह? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये तो सवेरे सवेरे बड़ा सारा काम करके आके आप बैठे हैं, पहले कपड़े धोए हैं, सब्जी बनाई, राजमा अदब फ्री मेरे को भी खिला दी, और मेरा बैग भी पैक हो गया बस। चावल साफ किए तो फिर को लंच में चावल बनाऊंगी, राजमा बन गए हैं, 11 तो बच ही गए बस। हाँ, ऑलमोस्ट 35 हो गए बस। मैं भी जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक ये सब धुल गए हैं, और मैं कुछ लग रही हूँ आज ऐसी, पूरा कवर ववर करके जाती हूँ, डस्ट ही बहुत उड़ती है गाइस। तो चलो चलते हैं। थोड़ा सा आंसू राम बाबू, थोड़े से आंसू, आंख भर आई। सो गाइज नेक्स्ट डे की गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं एकदम से तैयार हूँ, हेड वॉश किया आज मैंने, तो मैं रेडी हूँ स्टोर जाने के लिए। उससे पहले गाइज जो है नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करके मैं आपको कुछ बताती हूँ, पहले नाश्ता दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ।
सो ये देख सकते हो गाइज आप, रायता है, मिक्स वेज है और फुल्का मम्मी बस अभी बना रहे हैं, मैं फुल्का खा लूंगी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। सो ये देखो गाइज, ये जो मेरी स्टोर की ओनर थी ना, फ्रेंचाइजी ओनर, उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, मैंने मम्मा को पहना दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पहना हुआ था, एक ये चीज उन्होंने मुझे दी थी, जेस्चर। अच्छा पूछ रहे थे, लेकिन ब्रेसलेट सुंदर है ना, गई थी कहते गोल्ड का, मैं गोल्ड का नहीं, मेरा हाथ ना कटवा देना, लेकिन सुंदर है। थैंक यू सो मच रूबी मैम, आपने इतना अच्छा जेस्चर किया। और साथ में उन्होंने ना सिर्फ ब्रेसलेट बल्कि उन्होंने मुझे फ्रेगनेंसेस भी दी थी फैब इंडिया से, ये दो फ्रेगनेंसेस। एज यू ऑल नो, मुझे फ्रेगनेंसेस का कितना ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने वो चीज़ भी दे दी, जैस्मिन बॉडी स्प्रे एंड पैशन फ्लावर बॉडी स्प्रे, ये दो चीज़ें उन्होंने मुझे और गिफ्ट कर दी। और एक केक कटिंग कराई, वो तो आपने देख ही लिया वीडियो में, वो तो आप देख ही चुके हो। और गाइज, एक जो वहाँ पे परवीन जी है ना, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मेरा ब्राइडल मेकअप भी किया था, आपको याद होगा, उनको उन्होंने भी मुझे गिफ्ट किया। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरे सिस्टर की तरह हो और आप, मैं आपकी बर्थडे पार्टी नहीं अटेंड करूँगा जब तक आप मुझे से गिफ्ट नहीं लोगे। तो वो भी मुझे बहुत प्यार से लेकर आए, मैंने बहुत मना किया बट फिर भी उन्होंने दे दिया। इस तरीके के ना दो कप्स का सेट है ये, ये देखो, ये भी उन्होंने फैब इंडिया से ही मुझे बिल करा के दिया था, देख सकते हो आप। तो थैंक यू सो मच परवीन जी, ये बहुत ही प्यारा था गिफ्ट आपका। एक्चुअली मुझे सारे गिफ्ट बहुत अच्छे लगे क्योंकि स्पेशल होते हैं ना, कोई आपको दिल से कोई चीज़ देता है तो। और गाइज एक चीज़ और, आज मैं जा रही हूँ वापस से अपने पुराने वाले स्टोर पे। एक्चुअली कुछ काम पेंडिंग रह गया था, थोड़ी देर का, ज़्यादा देर का नहीं है, थोड़ी देर का काम है। तो सोच रही हूँ कि जब जा ही रही हूँ तो सबसे मिलकर आऊँगी। ऑब्वियसली दो तीन दिन के बाद जा रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, अपने पुराने वाले स्टाफ से मिलूंगी, आप लोगों को भी मिलवाऊंगी, डेफिनेटली मिलवाऊंगी सबसे। और आज जो है गौरव, जिसने मुझे वो मग गिफ्ट किया था फैब इंडिया का, आपने देखा होगा, उसकी गुड़िया का है बर्थडे। तो सोच रही हूँ कि उस मौके पे जा रही हूँ तो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ले जाऊँगी। अभी चलेंगे शॉप पे, नाश्ता करके निकलते हैं, शॉप से कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं, फिर चलेंगे स्टोर, उसे भी विश करेंगे और सबसे मिलकर आएंगे, बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, फिर अपने स्टोर जाएंगे। सो इस सब में जो है टाइम लगेगा, तो इसलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो रेडी भी नहीं हुई मैं, ऐसे ही बस फेस वॉश करके बैठी हूँ, ब्रेकफास्ट करके फिर तैयार होती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ और अपना फुल लुक भी दिखा दूंगी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये गाइज, मैंने कुछ चॉकलेट एंड कुछ चिप्स वगैरह ले लिए हैं गुड़िया के लिए, वही गिफ्ट करते हैं। और कुछ मुझे अभी भी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा, तो चलते हैं, चलो जल्दी से। हेलो, पहुंच गए हम अपनी पुरानी जगह पे, कैसा लग रहा है राम बाबू फिर? ये देख, खाली तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप, मेरा स्टोर बिल्कुल क्लीन है और राम बाबू आते मिले टॉफीज भी लेके आया। थैंक यू, ये नहीं भूलता राम बाबू, मेरे को दिख जाए टॉफियां तो जरूर लेके आता ही। हाँ मुझे पता, आज तूने मिलने आना ही था मेरे पास, बट चल मैं ही आ गई, फिर कोई नहीं, फिर आज ये स्टोर देखने जरूर आना, ठीक है ना। तो गाइज अभी गौरव आया था, उसको मैंने मिल तो ली, लेकिन मैंने उसको कुछ विश वुश नहीं किया उसकी गुड़िया के लिए, लेकिन अब जाऊंगी लेके। चलो चलते हैं पीछे पीछे आपके साथ। हैप्पी बर्थडे टू प्रिंसेस। मेरे को सुबह सुबह कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने भी यही पिक कर लिया, चॉकलेट वही, चिप्स वगैरह, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तेरी आवाज को क्या हुआ, तबीयत खराब है? उसको ही खिलाइयो, कमी ना खुद मत खा लियो, मैं बता रही हूँ। नहीं, चॉकलेट तो बहुत खुश होकर खा लेगी वो। मैंने कहा जो मुझे उठा लिया, मैंने जल्दी में थी, मेरे को सुबह सुबह कॉल आ गया आईटी का ना। हाँ वो 10 बजे टीम खोलती है ना आके। मस्त, एकदम मस्त मस्त मस्त। सो ये लंच तैयार हो रहा है आज का, जो कि बन रही है सब्जी, और सब्जी बन रही है ये वाली तोरी की सब्जी। और अंदर का हाल भी देख लेते हैं क्या है। ये मैंने झाड़ू उठा ली है, बस क्लीनिंग करूंगी घर की। और इधर पापा पढ़ रहे हैं पेपर, तो चलो पहले साफ सफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। लो जी, झाड़ू लग गई है, अब हो गई पोछे की तैयारी, और मैं स्टैंडिंग पोछा अपना ले आई हूँ, फटाफट से पोछा लगाते हैं। पापा नहा रहे हैं, तो ये ट्रे में क्या है, ये है खीरे का रस। खीरे को मैंने ले लिया था अच्छी तरह, उसको ग्रेट करके उसका छलनी में से रस निकाल लिया था, तो इसको मैंने इसमें
बर्फ वाली ट्रे में जमा दिया है, तो ये अच्छी तरह से जम गया। इसका क्या करना, गर्मियां शुरू हो गई हैं आपकी, जैसे झुरियां हैं, टाइनिंग है, जो भी चेहरे की समस्या है, धूल मिट्टी जम जाती है गर्मियों में, तो उसको इसको आपने क्या करना है, इसकी एक क्यूब निकाल के इसको एक कॉटन का कपड़ा ले ले और पूरे फेस पे इसको आप रगड़िए। बहुत ही अच्छा, जो भी आपकी चेहरे की समस्या है, झुरियां है, कुछ भी है, तो आपको ये इससे बहुत फायदा मिलेगा। देसी नुस्खे हैं जो आयुर्वेदिक सॉरी केमिकल वाली चीजों से लाख गुना बेटर है, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे आप फेस पे इतना मेकअप करते हो तो हाँ, अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो तो भी स्किन की केयर करना तो खराब हो जाता है ना, बहुत जरूरी है, तो आप ये करिए। तो ये एक टिप है आपके लिए। आटा गूंद रहा है अभी, प्रोसेस में है। आटे का आप क्या करें, थोड़ी देर ना इसको इकट्ठा करके रख दें और 5 मिनट तक ना इसको ऐसे रखे रहें, इसके बाद मुक्की मारें, फिर इसको अच्छी तरह गूंथे, इतना आटा बढ़िया गूंधेगा, बहुत ही अच्छा। ये भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। ऐसी टिप्स के लिए फॉलो करें। इधर सब्जी बन रही है, मैंने इसमें तड़का डाल दिया, ये तो बन जाएगी अभी जल्दी। तोरी की सब्जी तो आज पापा ने तोरी कैसे बना बोल दिया बनाने के लिए, खुश होकर खा लेते हैं। मंडी गए तो उनको हरी हरी तोरियां दिखी, उनको देखने में अच्छी लगी, कह रहे तोरी गए, चलो ले लेते हैं, हरी सब्जी खानी चाहिए, अच्छी होती। बिल्कुल। सो ये रही मैं, और अभी मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, आप लोग कमेंट करोगे इससे पहले मैं खुद ही बता दूँ, आप कहोगे कि मैं खुद क्यों अपना काम घर का करती हूँ, मैं सबके घरों में मेड्स होती हैं, आप रख सकते हो हेल्प के लिए, बिल्कुल रख सकते हैं गाइस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी रख सकती हूँ, हमने रखी भी थी थोड़ा टाइम के लिए कुछ टाइम पहले। बट क्या है ना गाइस, उससे क्या होता है, अगर सुबह का काम, पहली बात तो मुझे अपना घर का काम खुद ही करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं आलस में रहूं और कोई और मेरे घर का काम करे, मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम खुद से करना। और दूसरी चीज़, आप रख सकते हो लेकिन आपको अपने काम खुद करने से ना, आप एक आपको जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप कुछ चीज़ें घर की खुद से मैनेज करो ना, डेली रूटीन अपना बना लो, सुबह का साफ़ सफाई सही कुछ भी हो सकता है वो, तो आपको फिर ये नहीं है कि आप अपना फिट रहते हो, मेंटेन रहते हो, वो सबसे मेन चीज़ है। और तीसरी चीज़, मेरा जो स्टोर का टाइमिंग है ना, वो बहुत लेट है, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। अगर मेरे पास बहुत कम टाइम हो, सुबह मैं पहले जब ऑफिस जाती थी ना, मैं 8:30 चली जाती थी, यहाँ से 8:30 में निकल जाती थी घर से, तब मैं कह सकती थी, तब भी मैं घर का काम खुद से करके जाती थी, ऐसा नहीं है कि तब मेरे पास मेड थी, तब भी मैं खुद से करके जाती थी। और आज जब टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट है, तब भी मैं खुद से ही करती, तो अब क्यों नहीं गाइस, क्यों अपना, जब है आपके पास टाइम, जब आप कर सकते हो तो वाई नॉट, तो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब करो, आप सब अपनी मेड्स हटा के अपना काम खुद करना शुरू कर दो, लेकिन हाँ, जितना काम आपसे हो सके ना, अपनी बॉडी को मूव करो, मेंटेन करने के लिए काम चीज़ें करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, उससे आप फिट रहते हो। और बहुत ज़रूरी है ये, आपकी जो एजिंग है ना, वो थोड़े टाइम के लिए टल जाती है, और बॉडी एक्सरसाइज तो कर ही लेती है जब आप थोड़ा बहुत अपने आप को पोछे लगाओगे, झाड़ू लगाओगे। और एक बात और बता दूं, आप बोलोगे कि पोछा आप बैठ के क्यों नहीं लगा रहे हो, स्टैंडिंग से क्यों लगा रहे हो, तो मैं क्यों स्टैंडिंग से पोछा लगाती हूं, उसका रीज़न कुछ खास नहीं है, बस कभी मन किया स्टैंडिंग से लगा लिया, कभी मन किया बैठ के लगा लिया, तो चलता रहता है ऐसे ही। मैं तो जब मेरा दिल करता है वैसे ही काम कर लेती हूं। बस यही थोड़ा सा सुबह का रूटीन है जो फिक्स किया हुआ मैंने, क्योंकि रात को तो मैं 9:15 हो जाते हैं मुझे आते आते, वैसे ही टाइम नहीं बचता मेरे पास, आके खाना वाना खाया और बस टाइम से सो गया, क्योंकि लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सुबह मेरे पास टाइम होता है तो सुबह मैं जितना हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ, मेंटेन कर लूँ। तो चलो फिर मैं फटाफट से इसे निपटा लेती हूँ, इसे करके रेडी होके मिलती हूँ आपको। और देखते हैं आज क्या पहन के चलेंगे, अभी यूनिफॉर्म नहीं आई गाइज, तो कुछ ना कुछ तो पहनना ही है, आपको दिखाऊंगी अभी। हाँ जी, काहे इतनी संगीन मुद्रा में बैठे हो, नहा कर आ गए ऐसे बैठे, सोच विचार में क्यों बैठे, और आज जल्दी क्यों नहाए हो? पूजा करने जाऊंगा तो उतरने फिर आऊंगा इधर से। मैं पोछा लगा रही हूं, उनको बांध दिया मैंने एक जगह पे। यार इतनी जल्दी क्यों हो गया? आज कहीं जाना है? अस्पताल जाऊंगा, मेरा दोस्त आ रहा है, वही जिसकी हेल्प करती करी थी आपने, दिखाना। ओके, तो फिर इतनी संगीन मुद्रा में काहे? तू कर ले, लगा से पोछा मार ले। एक्चुअली हमारे स्टोर में मंदिर है ना, जब तक वहां से पोछा नहीं लगेगा तब तक वहां पूजा नहीं कर सकते। और पापा, आपकी पूजा कितनी देर की होती है बताना जरा व्यूअर्स को, बताना कितनी देर की पूजा होती है? 5 मिनट। कम से कम 1 घंटे की? 1 घंटा नहीं होता, पूरे घर में घूमोगे, ये करना है वो करना है, पूजा पाठ करने के मामले में 1 घंटा लगाते हैं पूरा, और नहाना मिला लो तो 1.5 घंटा। हाँ भाई, आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, इस बात पे क्या कमेंट करोगे? ठीक है, पाठ पूजा यही उम्र है, पाठ पूजा करने की आप भी क्या करो 1.5 घंटा लगा के? थोड़ी देर ज्यादा भगवान के पीछे नहीं पड़ती। हाँ, ये तो सोचते हैं आज ही मना लूं सारा कुछ। नहीं,
भगवान को तंग नहीं करते, परेशान कर देते हैं, भगवान को तंग नहीं करते, थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं। हाँ सही बात। सो ये देखो फ्रेंड्स, जो अभी आपको हम टिप बता रहे थे ना स्किन के लिए, ये कुकुम्बर को हमने आइस ट्रे में जमा दिया था और बस अब मैंने कॉटन का हैंकी लिया है, बस इसे अब हम पूरे फेस पे ना इस तरीके से रब कर लेंगे। कॉटन में इसलिए क्योंकि बर्फ़ आप हैंडल नहीं कर पाओगे ना हाथ से, तो कॉटन के हैंकी में, कॉटन के कपड़े में, किसी में भी आप लपेट के ना इस तरीके से पूरे स्किन पे नहाने से पहले। अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ तो मैंने कहा चलो 5 मिनट है मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 ही मिनट लगते हैं इसमें, अच्छे से फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी नहाने। स्किन बहुत रिलैक्स फील करती है, आप ट्राई करके देखना, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये मैं शनि मंदिर जा रही हूँ दिया लगाने, आके आपको अपना लुक दिखाती हूँ। सो लो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा आज का लुक, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बस अभी यूनिफॉर्म नहीं है तो अभी हम कैजुअली जाते हैं, अभी तो जब तक यूनिफॉर्म नहीं आती तब तक ऐश ले लो, फिर तो यूनिफॉर्म आ जाएगी, फिर तो बोरिंग ही पहनना होता है। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट फिर चलेंगे स्टोर। सो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस से निकल के थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, कहाँ पर आई हूँ वो भी आपको मिलवा देती हूँ, और किस काम से आई हूँ वो तो थोड़े दिनों बाद आपको पता चल ही जाएगा। उस काम के लिए कुछ तैयारी करनी थी तो मेरे साथ मम्मी भी आए थे, इधर आप देख सकते हो, और हम खा रहे हैं दही भल्ले, इन्होंने हमारी खातिर में दही भल्ले मंगाए हैं। तो मिलवाती हूँ मैं आपको। हेलो, कैसे हैं आप? ये इनकी प्रेस है, मैं आपको पहले दिखा दूँ, इनके सामने ही इनका ये बैनर पड़ा हुआ है करण आर्ट प्रेस के नाम से। ये सारी डिटेल्स हैं, अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो कुछ भी तो इनके पास आप बेझिझक आ सकते हो, बहुत ही रीजनेबल से प्राइसेस पे आपको ये सर्विसेज देते हैं और बेस्ट सर्विसेज देते हैं। मैं कितने साल से हम लोग कनेक्टेड है सर? ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ना, 15 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और आज तक टच वुड आज तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया काम को। और आप इनका एड्रेस भी नोट कर लो, नंबर्स भी नोट कर लो, इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। सर अपना नाम बता दीजिए। सुमंत अरोड़ा। सुमंत अरोड़ा जी हैं, तो आप आके मिलिए और इनका जो एड्रेस है वैसे थोड़ा आइडिया दे दो, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है, कोई पर्सन आना चाहे। पुरानी गुड़ मंडी में। पुरानी गुड़ मंडी में आपको आना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, और ये बहुत जितना अच्छा बिजनेस करते हैं ना उससे अच्छे इंसान भी हैं, देखो हमें खिला भी रहे हैं। तो आप जरूर आना।